नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट BCAA का नाम तो सुने होंगे। ये जो BCAA सप्लीमेंट है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जिम जा रहा है और उसने इसका नाम नहीं सुना है। तो गाइस, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख करके समझ गए होंगे कि आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ BCAA के ऊपर। इसके क्या फायदे हैं, इसके कितने डोज लेना चाहिए और ये किस समय में आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपको हेल्प करता है और कितना ज्यादा ये हेल्पफुल है, इस पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप बने रहिए, एक छोटे से इंट्रो के बाद मिलते हैं। गाइस, जैसा कि BCAA मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड, ऐसा बहुत सारे वीडियो में आपने यूट्यूब पर सुना होगा कि इसका नाम है ब्रांच चेन एमिनो एसिड। ये तीन एमिनो मिलाकर के एक इमिनो बना है। जो पहला है वो है वैलिन, दूसरा है लुसिन और तीसरा है आइसोलुसिन। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं जो इस वीडियो में खास बनाने वाला हूँ आप लोगों को, ये प्रैक्टिकली जो मैंने जो एनालाइज किया है लोगों के ऊपर में कि ये किस तरह से हेल्प करता है और क्या क्या फर्क आ जाता है अचानक से आपके बॉडी के अंदर में, वो मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा करके साझा करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका डोज कितना लेना चाहिए और कितने ग्राम का डोज होना चाहिए और किस समय में लेना चाहिए आपको। जनरली अगर आप डब्बा खरीद रहे हैं BCAA का सप्लीमेंट का, अगर आप जब डब्बा खरीदेंगे तो उसके अंदर जो सर्विंग साइज का जो स्कूप होता है वो भी 5 ग्राम का ही होता है। इसका मतलब ये कि BCAA का जो मात्रा होना चाहिए वो 5 ग्राम होना चाहिए। ये साइंटिफिक है कि सुबह से शाम तक जो है BCAA आपको 5 ग्राम ही लेना चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। और दूसरा ये कि ये लेना किसको चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स का कोई वर्कआउट कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको आखिर लेना कब चाहिए? तो गाइस, इसको लेना चाहिए मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट। जब अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं, उस समय में आपका बॉडी जो है वो होता है कैटाबॉलिक में। तो इसका जो मेन वर्क है, ये बॉडी को कैटाबॉलिक से निकाल के एनाबॉलिक में डालता है। अगर आपको अगर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक के बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, फिर से आते हैं टू द पॉइंट कि इसका डोज लेना चाहिए एवरी डे 5 ग्राम मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट, या फिर आप इसको ले सकते हैं प्री वर्कआउट के रूप में, वर्कआउट से कम 30 मिनट पहले, या फिर आप इसको ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं, उन लोगों का लेने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। प्रोफेशनल मतलब वो 2-2.5 घंटे सुबह भी जिम में बिताते हैं, 2-2.5 घंटे वो शाम के टाइम में बिताते हैं। तो उनका जो लेने का ढंग होता है वो होता है उनके ट्रेनर के सुपरविजन में, उनके न्यूट्रिशंस के सुपरविजन में और उनके डॉक्टर के सुपरविजन में। लेकिन सिर्फ आप अपने फिजिक को अच्छा करने के लिए, मस्कुलर करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 5 ग्राम ही लें, और वो लें मॉर्निंग के टाइम में या प्री वर्कआउट के रूप में 30 मिनट पहले, या फिर ड्यूरिंग वर्कआउट जिस समय आप वर्कआउट करते हैं उस समय में लें। उस समय में शिफ्ट कर करके लें, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते रहें, वर्कआउट करते रहें और उसको शिफ्ट करते रहें। तो ये तो आप समझ गए कि इसको लेना कब चाहिए। गाइस, इसका आखिर फायदा क्या है, BCAA आखिर लेना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका जो मसल का जो मोशन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन और वो होता है फ्लेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन जब मसल्स होता है तो उस समय में मसल्स क्या होता है, मसल्स ब्रेक होने लगता है। मसल जब ब्रेक होता है तो आप थकने लगते हैं। मसल्स जब ब्रेक होने का मतलब ये है कि आपका बॉडी जो एनर्जी के रूप में यूज कर रहा है वो कर रहा है प्रोटीन। लेकिन अगर आप BCAA लेते हैं तो आपका बॉडी एनाबॉलिक में चला जाता है और उस समय में जो एनर्जी के रूप में फ्यूल यूज होगा वो होगा बॉडी का फैट। जब फैट बॉडी में एनर्जी में आप यूज करेंगे तो आप एनर्जेटिक भी रहेंगे और जो मसल्स के हैं वो आपके मसल टूटेंगे नहीं। अगर टूट भी रहे हैं तो वो BCAA के द्वारा जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे और आपका स्ट्रेंथ बराबर बढ़ता ही चला जाएगा। और गाइस, इसको जो मेरे से अगर पूछा जाए तो इसका पर्सनली कहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प होता, तो मैंने बहुत सारे लड़कों में देखा है जो कि अगर 16 रेपिटेशन का टारगेट लेकर के वो वेट उठा रहे हैं और वेट उठाते उठाते उनकी हाथ यहाँ पर आकर के रुक जाती है, तो उस समय में जो पुश मिलता है, एक स्ट्रेंथ आपको मिलता है अंदर से, वो BCAA के द्वारा ही मिलता है। बेसिकली अगर मेरे अगर नॉलेज से अगर पूछा जाए तो जितने भी ज्वाइंट हैं, इस ज्वाइंट के पास में जितने भी मसल्स के मोटर हैं, उस मोटर को ऑन कर देता है BCAA, वो चालू कर देता है, वो रुकने नहीं देता, आपके स्ट्रेंथ को पुश मिलता रहता है।
ये तो गाइज हो गया, मैंने आपको बताया कि इसके फायदे क्या हैं। और हाँ गाइज, जो मसल्स के टिश्यूज जो जुड़ते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, जो मसल जो ब्रेक होने के बाद जुड़ता है तो उससे आपका स्ट्रेंथ डेवलप होता है, उससे आपका मसल्स का साइज डेवलप होता है। अगर आप जैसे गेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो BCAA आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको मसल का साइज बढ़ाना है तो BCAA आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और यहाँ गाइज, जिस तरह से मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा यूट्यूब पर, जब भी जैसे मैं अगर कोई चीज़ करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ना एनालाइज करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें देखा कि जो ये एमिनो होते हैं दो तरह के होते हैं, एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल, लेकिन मैं आपको बताऊँ तीसरा भी होता है, वो होता है कंडीशनर। तो गाइज, नॉन एसेंशियल से ही हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है, जो एसेंशियल से वो हमें बाहर से लेने होते हैं। ज़्यादातर लोगों का मेंटलिटी ये है कि अगर हम बाहर से अगर ये एमिनो अगर लेते हैं तो वो हम सप्लीमेंट के रूप में ही लेंगे, लेकिन बहुत सारे गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सप्लीमेंट कंसिडर नहीं करते, सप्लीमेंट लेना नहीं चाहते। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप वेज हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप दोनों ही जगह पर नेचुरल फूड के द्वारा भी इसे पूरा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, क्योंकि जनरली 5 ग्राम चाहिए तो 5 ग्राम आप इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मुझे ये चीज लेना है। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 1-1.5 घंटे, तो मैं BCAA नेचुरल फूड के रूप में लूंगा। तो गाइस, बहुत सारे लोग मेरे को मेल भी करते थे कि नेचुरल फूड में कौन कौन सा फूड आता है और इसको कैसे लेना चाहिए। तो इससे जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए, उसमें मैं बताऊंगा कि नेचुरल फूड में आप कौन कौन सा फूड को कंसिडर करेंगे, कौन कौन सा फूड को आप लेंगे और किस किस टाइम में लेंगे तो आपका ये BCAA की कमी पूरा हो जाएगा। ओके गाइज, उम्मीद है कि मैंने अपनी इस वीडियो के द्वारा आप लोग को समझा सका कि BCAA कितना ग्राम लेना चाहिए और किस समय में लेना चाहिए और किनको लेना चाहिए और ये किस तरह से हेल्प करता है आपको। तो गाइज, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ गाइज, अगर कुछ भी पूछना हो आपको फिटनेस रिलेटेड तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नमस्कार।